बिग बॉस सीजन 15 यानी बिग बॉस ओटीटी की पहले कंटेस्टेंट्स बनकर घर के अंदर आई शमिता शेट्टी। शमिता शेट्टी को अपना कनेक्शन चुनने का मौका दिया गया, जहां पर शमिता ने राकेश को अपना पार्टनर चुना और राकेश के साथ कनेक्टेड होकर घर के अंदर चली गई। जहां पर अगर फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो शमिता को बिग बॉस 15 का घर बहुत ही अच्छा लगा, और उसी के साथ शमिता शेट्टी बिग बॉस 15 यानी बिग बॉस ओटीटी के घर में कदम रखने वाली पहली कंटेस्टेंट बन गई। दूसरी फीमेल कंटेस्टेंट के रूप में घर के अंदर आई उर्फी जावेद। यहां पर उर्फी को दो दो चॉइस दिया गया था। उर्फी ने दोनों जनों को चॉइस किया था, जीशान और करण को, जिनमें से उर्फी ने जीशान को अपना कनेक्शन चुना और उर्फी आ गई घर के अंदर। घर के अंदर आते ही उर्फी को बहुत ही अच्छा लगा। एज यूजुअल बिग बॉस का सेट इतना अच्छा है, उर्फी को तो अच्छा लगना ही था। और बिग बॉस ओटीटी के घर के अंदर उर्फी मिली यहाँ पर शमिता से और दोनों में हुई दोस्ती। उसके बाद घर में आई थर्ड फीमेल कंटेस्टेंट यानी कि नेहा भसीन। नेहा भसीन को यहाँ पर मिलिंद और प्रतीक दोनों पसंद आए, और दोनों में से नेहा को आखिरकार आप मिलिंद गाबा को अपने कनेक्शन के रूप में चुनते हुए देखा गया। जी हाँ, नेहा भसीन यहाँ पर मिलिंद गाबा को अपना कनेक्शन चुना, और फिर हुई नेहा की घर के अंदर एंट्री। और घर के अंदर घुस के नेहा बहुत ज्यादा खुश थी। एज यूजुअल बिग बॉस के घर के अंदर आने के बाद सारे कंटेस्टेंट यहाँ पर खुशी नजर आ रहे थे। अगले फीमेल कंटेस्टेंट के रूप में बिग बॉस के सेट पर करण के रूबरू हुई मुस्कान। मुस्कान के सर पे तो यहाँ पर बाल नहीं थे, लेकिन मुस्कान की बातों पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी मुस्कान। पर ऑप्शन के तौर पर मूस ने दो कंटेस्टेंट को सिलेक्ट किया था, प्रतीक और निशान, और निशान और प्रतीक में से मुस्कान ने निशान को अपना कनेक्शन चुना और मुस्कान चली गई घर के अंदर। फिर पांचवी फीमेल कंटेस्टेंट के रूप में करण जौहर के सामने आई अक्षरा सिंह, और अक्षरा सिंह ने यहाँ पर दो दो जनों को चुने जो थे प्रतीक और करण, और प्रतीक और करण में से अक्षरा ने अपने कनेक्शन के रूप में यहाँ पर प्रतीक को चुना, जिसके बाद अक्षरा सिंह की हुई घर के अंदर शुभागमन। फिर फाइव मेल कंटेस्टेंट में से सिर्फ एक ही अवेलेबल रह गया था, जो कि था करण, लेकिन यहां पर एंट्री हुई दो दो फीमेल कंटेस्टेंट की, जो थी दिव्या अग्रवाल और रिद्धिमा पंडित। और यहां पर कहानी में आया ट्विस्ट, इस बार करण को मिला मौका दोनों लड़कियों में से किसी एक को चुनने का, और दूसरे को यहाँ पर सीधा सीधा इविक्ट कर दिया जाएगा, जिसको करण नहीं चुनेगा। करण यहाँ पर रिद्धिमा को अपना कनेक्शन चुनते हुए नजर आए। रिद्धिमा पंडित की हुई घर के अंदर कुछ इस तरह से हैप्पी एंट्री, और सारे फीमेल 6 के 6 फीमेल कंटेस्टेंट घर के अंदर आ गए अपना 6 मेल कंटेस्टेंट के साथ कनेक्शन बनाकर।